हे गाइस, वेलकम टू स्टडी नेट। आज हम बात करेंगे लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड के बारे में, जो कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और इसके साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि ये अवार्ड और किन लोगों को दिया गया है, और क्या इससे पहले ये अवार्ड किसी अन्य भारतीय को मिला है या नहीं। इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड की, कि लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड होता क्या है। तो लीजन ऑफ मेरिट एक मिलिट्री अवार्ड है यूनाइटेड स्टेट्स आर्म फोर्सेस का, यानी कि ये एक सिविलियन अवार्ड नहीं, ये एक मिलिट्री अवार्ड है। रिमेंबर दिस फैक्ट। तो ये अवार्ड दिया जाता है आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए और अचीवमेंट्स के लिए। तो ये अवार्ड यूनाइटेड स्टेट्स के पॉलिटिकल फिगर्स को तो मिलता ही है, उनकी मिलिट्री फिगर्स को भी मिलता है, लेकिन अगर हम फॉरेन में बात करें तो ये पॉलिटिकल फिगर्स और मिलिट्री फिगर्स को दिया जाता है फॉरेन गवर्नमेंट्स में। ओके, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप कोई किसी अन्य, मतलब यूएसए के बाहर अगर ये अवार्ड किसी को देना है, तो आप मिलिट्री फिगर्स को दोगे, जो मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं, या फिर पॉलिटिकल फिगर्स को ये अवार्ड दोगे। तो ये है, आप देख सकते हो, ये है हमारा लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। अब बात आती है, क्या ये यूएसए का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यूएसए का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। सो यूएसए का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जो कि आप ये देख सकते हो ये रहा। तो जैसे कि हमारे इंडिया में हमारा जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, तो उसी तरीके से यूएसए का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, लेकिन जो हमारा लीजन ऑफ मेरिट है वो एक मिलिट्री अवार्ड है, तो वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नहीं है यूएसए का। ओके, तो ये अवार्ड जो अभी तक दिया गया है, ये अभी तक जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये अभी तक 4 लोगों को दिया गया। तो हो सकता है कि आगे जाके ये अवार्ड और किन्हीं दूसरे लोगों को मिल जाए, तो इसके साथ ही आप अपडेट रहिएगा। तो अभी तक ये अवार्ड दिया गया है अमीर को, अमीर ऑफ कुवैत। सो उनका नाम है सब अल अहमद अल जबेर अल सब। तो अमीर क्या होता है? तो अमीर यानी कि जो कुवैत में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है ना, उसको अमीर कहते हैं। यानी एक तरह से ये जैसे हमारे यहाँ पे हेड ऑफ प्रेसिडेंट है, तो कुवैत में हेड ऑफ अमीर होता है। अमीर एक तरह से मोनार्क या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। ओके, सो कुवैत के अमीर को ही दिया गया है। ये दिया गया था 18 सितंबर को इनको, और फिर उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया 21 दिसंबर, और उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन को यह अवार्ड दिया गया है 21 दिसंबर 2020 को, और शिंजो अबे जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, उनको ये 21 दिसंबर 2020 को ये अवार्ड दिया गया है। तो अगर आप अमीर को हटा दें, तो आप ये देखोगे ये तीनों जो पर्सन हैं, ये क्वाड के मेम्बर हैं। तो आपको जैसे पता होगा क्वाड जो कि है क्वाडिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग, जिसके उसमें 4 कंट्रीज हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो बाकी जो आप देख सकते हो, ये हैं क्वाड के मेंबर जो कि 4, तो बाकी यूएसए को छोड़ के, क्योंकि यूएसए तो अवार्ड दे ही रहा है ना, तो उन बाकी तीनों जो मेंबर्स हैं, तीनों कंट्री मेंबर्स, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो अभी के लिए ये जो अवार्ड है, ये जो यूएसए में एम्बेसडर हैं तरनजीत सिंह सांडू, ये जो है देख सकते हो, इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या ये अवार्ड इससे पहले किसी और भारतीय को मिला है? तो इसका आंसर है जी हाँ, जरूर मिला है। तो इससे पहले ये जो अवार्ड मिला है इंडियन आर्मी के पर्सन को ही मिला है, 2 इंडियन आर्मी के पर्सन को मिल चुका है। तो एक थे फील्ड मार्शल कोडंडरा मडप्पा करियप्पा, जिनको 1950 में ये अवार्ड मिला था। उसी के साथ 2 सितंबर 1950 को यह अवार्ड जनरल, इंडियन आर्मी के जनरल सत्यवंत मलाना श्री नागेश को भी ये अवार्ड मिल चुका है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, तो आपको स्टडी नेट को सब्सक्राइब भी करना है, और लाइक भी करना है, और शेयर भी करना है। थैंक यू।